हेलो एवरीवन, सो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे का पार्ट. सो इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख. सो सबसे जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, अगर उसमें आप 1 ऐड कर दो तो क्या वो हमें सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर देगा? तो यस, जब हम 99,999 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 1 लाख मिलेगा. इसको हम बोलते हैं 1 लाख. और 1,99,999 के बाद आता है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया. सो 10 × 10,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख हो जाता है. सो वी मे नाउ राइट 6 डिजिट नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. में आप कैसे लिखोगे जब आपके पास 6 डिजिट नंबर है? तो जैसे यहाँ पे 2,46,853 है, तो 2 × 1 लाख प्लस 4 × 10,000 प्लस 6 × 1,000 प्लस 8 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 3 × 1. सो दिस नंबर हैज़ 3 एट 1 प्लेस, 5 एट 10 प्लेस, 8 एट 100 प्लेस, 6 एट 1,000 प्लेस, 4 एट 10 प्लेस एंड 2 एट लाख प्लेस. तो इट्स नंबर नेम इज 2,46,853. सो ऐसे यहाँ पे आपको और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 4,57,928. तो आप इसमें भी ऐसे इसको एक्सपैंड करोगे, 4 × 1 लाख हो जाएगा एंड 5 × 10,000, 7 × 1,000, 9 × 100, 2 × 10 एंड 8 × 1. तो ऐसे आप एक्सपैंड कर सकते हो 6 डिजिट नंबर्स को. सो नाउ वी हैव द लार्जर नंबर्स. सो इफ़ वी एड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, अगर हम एक और नंबर 6 डिजिट नंबर्स के साथ में ऐड कर दें तो हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिल जाता है, जो कि है 10 लाख. सो राइट डाउन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखो एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखो. राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर. सो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 1 करोड़. सो हेयर कम्प्लीट द पैटर्न. लाइक 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10, 99 + 1 इज इक्वल्स टू 100, 999 + 1 इज इक्वल्स टू 1,000 हो जाएगा, देन इट विल बी 10,000 हो जाएगा, है ना, देन इट विल बी 1 लाख, देन इट विल बी 10 लाख एंड यहाँ पे 1 करोड़. तो रिमेंबर 100 इज इक्वल्स टू 10 10s होते हैं, 1,000 होते हैं इज इक्वल्स टू 10 100s, या फिर 100 10s होते हैं. 1 लाख जो है वो 100,000s या 1,000 100s होते हैं, जो 1 करोड़ है वो 100 lakhs या 10,000 1,000. नाउ ट्राई दीज. 10 - 1 क्या होगा? 9. 100 - 1 99, है ना, 9,999. तो इसी तरीके से आप माइनस करते जाएंगे तो आपको स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स मिलते जाएंगे. सो वी केम अक्रॉस लार्ज नंबर्स इन मैनी डिफरेंट सिचुएशंस. बहुत अलग अलग सिचुएशंस में हम बहुत लार्ज नंबर्स हमने देखे. फॉर एग्जांपल, वाइल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास वुड बी अ 2 डिजिट नंबर ही होता है ना, जैसे 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके स्कूल में जो है वो 3 या 4 डिजिट नंबर होंगे, या तो हज़ारों में बच्चे होते हैं, है ना, या फिर हंड्रेड्स में होते हैं, जैसे 400 की स्ट्रेंथ है, 500 की है, या 1,000 की स्ट्रेंथ है, तो वो 3 या 4 डिजिट नंबर हो जाते हैं. सो द नंबर ऑफ पीपल इन द नियर बाय टाउन वुड बी मच लार्जर. और हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनका काउंटिंग करोगे, उनका नंबर देखोगे, तो वो तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, 5, 6 या 7 डिजिट नंबर में भी जा सकता है. सो डू यू नो द नंबर ऑफ पीपल इन योर स्टेट, आपके स्टेट में कितने लोग रहते हैं, क्या आपको पता है? एंड हाउ मैनी डिजिट्स, कितने डिजिट्स के वो नंबर होंगे? सो वट वुड बी द नंबर ऑफ ग्रेन्स इन अ सैक फुल ऑफ वीट. जो गेहूँ के दाने होते हैं ना बोरी के अंदर, वो कितने सारे होते हैं? क्या वो 5 डिजिट नंबर होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, 7 डिजिट होते हैं? तो इस तरीके से हम बहुत ही लार्ज डिजिट नंबर्स, स्मॉल डिजिट नंबर्स के को देखते ही रहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. सो नाउ वी हैव नेक्स्ट एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स. सो ट्राई रीडिंग द फॉलोइंग नंबर्स. इन नंबर्स को रीड करने की कोशिश कीजिए. सो 1s, 10s, 100s, 1,000s, 10,000, तो 27 लाख, है ना, 9,453 हो जाएगा, देन 50 लाख, 35,472 हो जाएगा,
15 करोड़ 27 लाख 375 हो जाएगा, 40 लाख 35,894 हो जाएगा। सो वॉज इट डिफ़िकल्ट? क्या ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है? डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक? मतलब तो रीडिंग करने में थोड़ी दिक्कत हुई आपको? सो समटाइम इट हेल्प्स टू यूज़ इंडिकेटर्स टू रीड। कई बार हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं लार्ज नंबर्स को लिखने के लिए, उनको रीड करने के लिए। शेगुफ्टा यूज़ इंडिकेटर्स विच हेल्प हर टू रीड एंड राइट। तो शेगुफ्टा है वो भी इंडिकेटर्स को ही यूज़ करती है लिखने और पढ़ने के लिए लार्ज नंबर्स को। हेयर इंडिकेटर्स आर ऑल्सो यूजफुल इन राइटिंग, लिखने में भी, राइटिंग एक्सप्रेशंस में भी बहुत यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो डिफाइन करती है डिजिट्स को 1 की प्लेस पे, 10 की प्लेस पे, 100 की प्लेस पे। इन 257 बाई राइटिंग दैम अंडर द टेबल OTH। तो हम कैसे इंडिकेट करते हैं? जैसे O मतलब वंस, T मतलब टेंस एंड H मतलब हंड्रेड्स। तो हमें पता लग रहा है कि ये 257 है। 2 × 100 + 5 × 10 + 7 × 1। तो ये रीडिंग करने में और लिखने में आसान हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई 1000 की रेंज में है तो वहाँ पे 1, 10, 100, 1000 हो जाएगा। तो 2902 है, लाइक 2 × 1000, 9 × 100, 0 × 10 and 2 × 1। सो वन कैन एक्सटेंड दिस आइडिया इन नंबर्स अप टू हम लैक्स तक जा सकते हैं, सीन इन द फॉलोइंग टेबल। नाउ यू कैन सी इन दिस टेबल दैट इट्स रिटन वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 10 lakhs, 10 lakh, है ना। तो हेयर इट्स रिटन 7,34,543। तो आप यहाँ से उल्टा नंबर स्टार्ट करो ना, 3 को यहाँ रखेंगे, 4 को, 5 को, फिर 4 को, 3 को, 7 को, तो हमें पता लग जाएगा कि 7,34,543 है। तो इट्स नंबर नेम हो जाएगा 7,34,543, और एक्सपेंशन आपको वैसे ही करना है जैसे 7 × lakh, 3 × 10,000, है ना, एंड देन 4 × 1000, 5 × 100, 4 × 10 एंड 3 × 1। सो हेयर इट इज़ रिटन, यहाँ पे आप अगर देखो तो ये कहाँ लिखा हुआ है टेबल में, 10 lakh पे लिखा हुआ है ना, तो 32 lakh हो जाएगा। देन 75,000 हो जाएगा, 829 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप एक्सपेंशन कर सकते हो। सिमिलरली वी में इंक्लूड नंबर्स अप टू करोड़ ऑल्सो। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh crore and 10 crore। तो उल्टा ही सीरीज़ को स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 crore 57 lakh 34,543 एंड दिस इज 65 crore 32 lakhs 75,829। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यू कैन मेक अदर फॉर्मेट्स ऑफ टेबल फॉर राइटिंग द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ यूज़ ऑफ, वी हैव यूज़ ऑफ कॉमास। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन राइटिंग नंबर्स, जब भी हम नंबर्स को लिखते हैं इन द सेक्शंस अबव, जो भी हमने सेक्शंस देखे हैं अभी तक, जो नंबर्स हमने लिखे हैं, हमने कई बारी कॉमास यूज़ किए हैं। तो कॉमा हमें हेल्प करते हैं रीड करने में, लिखने में लार्ज नंबर्स को। हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है वो 1, 10, 100, 1000, 10 lakh and crores, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें हम अपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में यूज़ करते हैं। कॉमास यूज़ किए जाते हैं 1000 lakhs और crores को मार्क करने के लिए। फर्स्ट कॉमा 100 प्लेस पे लगाया जाता है, 3 digit फ्रॉम द राइट एंड मार्क 1000, तब हमें पता लगता है कि ये 1000 नंबर है, जैसे 8000। सेकेंड कॉमा हम लगाते हैं 2 digit later, 5 digits फ्रॉम राइट एंड इट कम्स आफ्टर 10,000 प्लेस पे आता है और लाख को मार्क करता है। थर्ड कॉमा हम लगाते हैं आफ्टर अनदर 2 digits, और 2 digits के बाद में, ठीक है, एंड इट कम्स आफ्टर 10 lakh। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो ये देखो, जब 100 की 3 0 हो गई ना, ये फंड्स टेंस 100 की प्लेस हो गई,
ये तो यहाँ पे हमने वन के बाद लगा दिया कि हम ये बता रहे हैं कि 1000 प्लेस पे है, फिर दो डिजिट छोड़ के फिर हम बता रहे हैं कि 8 लाख है, फिर हम फिर दो डिजिट छोड़ के बता रहे हैं कि ये करोड़ है। तो इस तरीके से हम कॉमास लगाते हैं, जैसे 3 करोड़ 32 लाख 40,781, 7 करोड़ 27 लाख 5,062। सो ट्राई रीडिंग द नंबर्स गिवन अबव, राइट 5 मोर नंबर्स एज इफ यू कैन। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है? इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एज इट बीइंग यूज्ड वी हैव वंस, हमारे पास में इसके अंदर आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10 मिलियन। 1 मिलियन जो है इज़ 1000 थाउजेंड। कॉमास आर यूज टू मार्क थाउजेंड एंड मिलियंस को मार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट कम्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट, ठीक है, हर एक 3 डिजिट के बाद ये आता है। जो फर्स्ट कॉमा है मार्क्स थाउजेंड्स एंड द नेक्स्ट कॉमा मार्क्स मिलियंस। सो फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक ये पढ़ा जाएगा कैसे, 50 मिलियन। अगर आपने मिलियन सिस्टम देखना है ना, तो हम पढ़ेंगे ये 50 मिलियन, ठीक है, 801,592। और इंडियन सिस्टम में ये पढ़ा जाएगा 5,08,01,592। सो हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन एंड हाउ मेनी मिलियन मेक्स अ करोड़। टेक 3 लार्ज नंबर्स लो, एक्सप्रेस करो उनको इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम में। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टू एक्सप्रेस नंबर्स लार्जर देन अ बिलियन हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। 1 बिलियन इज़ इक्वल्स टू 1000 मिलियन। सो